अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दो सुपरस्टार एक साथ दोबारा बड़े अरसे बाद आ रहे हैं। तो आमिर खान, सनी देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की शराकत में फिल्म की शूटिंग जनवरी में मुतवक्क है। आमिर खान ने हिदायतकार राजकुमार संतोषी की साथ दो फिल्मों का मुआहदा किया है, जिसमें से एक में आमिर खान मरकजी किरदार नजर आएंगे और दूसरी में वो एक प्रोड्यूसर की हैसियत से इस फिल्म साज के साथ मुंसलिक नजर आएंगे। शोबिज वेबसाइट पिंक वाला के मुताबिक आमिर खान और राजकुमार संतोषी अपने एक्शन से भरपूर ड्रामे के लिए मुख्तलिफ अनुमानात पर गौर कर रहे हैं। दूसरी तरफ सनी देओल और राजकुमार संतोषी कुछ अरसे से एक मुमकिन तावन के बारे में बात कर रहे हैं और आमिर खान के साथ बतौर प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज होने के रास्ते पर है। ये तीनों रवां बरस दिसंबर या जनवरी 2024 के आसपास फिल्म की शूटिंग शुरू करने के ख्वाह हैं। इस शराकतदारी का बाज़ाब्ता ऐलान सनी देओल की 66वीं सालगिरह पर 19 अक्टूबर को मुतवक्क है। पिंक वाला ने जरा के हवाले से लिखा कि आमिर, संतोषी और सनी ने गुज़श्ता शाम एक तवील मीटिंग की थी और वो फाइनेंस और शूटिंग टाइम लाइन्स के हवाले से एक ही सफ़े पर थे। 3 माह की मैराथन शूटिंग जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल आमिर खान आरएस परसाना की हिदायत करदा फिल्म चैम्पियंस के साथ मुख्तसर वक्फे के बाद वापसी के लिए तैयार हैं। फिल्म दिसंबर 2024 में क्रिसमस के मौका पर रिलीज होगी। आमिर खान जनवरी 2024 में अपनी बेटी एरा की शादी के बाद फिल्म की एक्टिंग का आगाज करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि तीन बहुत बड़े नाम एक साथ आ रहे हैं, ये है खबर। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।